हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले चेंज योर फेट इवेंट के बारे में, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है अप टू 80% का डिस्काउंट। तो यस गाइस, 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर, क्या हमें इसके अंदर एलाइट पास देखने को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो यार, यही देखने वाला हूँ मैं इसके अंदर, कि हमें एलाइट पास देखने को मिलता है या नहीं, और अगर मिलता है तो कितना डिस्काउंट में देखने को मिलता है, और कैसे हम इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो सीधे सीधे हम इवेंट के अंदर जंप मारते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर का इंटरफेस किस तरह। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन दे दूंगा कि कैसे आप इसमें इवेंट में आप परचेसिंग कर सकते हो, कैसे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। तो गाइस, जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ डिस्काउंट चलते हुए दिखेगा, जैसे मिस्ट्री शॉप में चलता है, और आपको एक रैंडमली कोई भी नंबर का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मुझे 69% का मिल चुका है, और यहाँ बीच में आपको प्राइस पूल दिख रहा होगा, जिसमें से आप कुछ भी तीन चीज़ें खरीद सकते हो। तीन से ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाओगे एक प्राइस पूल में से। और जैसे आप तीन चीज़ें खरीद लोगे, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, मतलब नए प्राइजेस आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इधर दिख रहा होगा ट्राई योर लक। मान लीजिए आपको कम डिस्काउंट मिलता है, 40, 30, 20 ऐसा डिस्काउंट मिलता है, तो आप चाहो तो यहाँ ट्राई योर लक तो क्लिक करके, जो फर्स्ट टाइम फ्री है ना, इसके बाद आपको डायमंड देने पड़ेंगे। तो आप अपना जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो फिर से आप एक बार स्पिन कर सकते हो, तो हो सकता है आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। अगर आपको 70% से ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है, तो गाइस मत स्पिन करना, क्योंकि हो सकता है कि डिस्काउंट कम भी हो जाए। गारंटी नहीं है कि हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, कम भी मिल सकता है। तो अगर ऑलरेडी अच्छा डिस्काउंट मिल चुका है, तो भाई प्लीज़ स्पिन मत करना। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ बीच में आपको नो आइटम्स दिख रहे हैं, जिसमें से आप कोई भी तीन खरीद सकते हो। बट अगर आपको कोई भी नो में से आइटम पसंद नहीं आया, तो ये पूल रिफ्रेश कर सकते हो, जिसका मतलब है कि ये जितने भी प्राइसेस है बीच में, ये सब रिफ्रेश हो जाएंगे। तो उसका भी गाइस फर्स्ट टाइम में फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप रिफ्रेश कर पाओगे। बट आगे जाके इसमें भी डायमंड लगेंगे। यस गाइस, इसमें भी डायमंड लगेंगे यार। तो फर्स्ट पेज पे तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई एलाइट पास तो नहीं है। तो एक बार हम पूल रिफ्रेश करके देखते हैं, और पता चलेगा हमें कि फिर एलाइट पास इसमें आता है या नहीं आता है। तो मैं पहले फ्री वाला पूल रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए, और लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है इस बार नया। तो रिफ्रेश हो गया है, और जैक इन दी बॉक्स वाला लूट बॉक्स एक लेजेंडरी चीज़ देखने को मिलेगी। वैसे लेजेंडरी नहीं बोलना चाहिए मुझे इसको, बड़ा थोड़ा सा रेयर आइटम है जैक इन दी बॉक्स वाला। अरे यार, जब से स्टोर में आ गया तब से काय कर रहे हैं, बिल्कुल रेयर नहीं है। तो लूट बॉक्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ अच्छी चीज़ आप चाहो तो वही वाउचर्स वगैरह खरीद सकते हो, इनक्यूबेटर वाउचर्स खरीद सकते हो। अगर आपको M1014 निकालनी है अभी भी, तो टाइम बचा है आप लोगों के पास में। तो सेकेंड रिफ्रेश में मुझे, मतलब फर्स्ट रिफ्रेश में मुझे एलाइट पास तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं एक और बार रिफ्रेश कर रहा हूँ 10 डायमंड देके, लेट्स सी। तो गाइस, इस बार हमें स्केटर कपल का, मतलब स्केटर बॉय वाला बंडल देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा बंडल है, कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पर्सनली पसंद है, पर अब इतने डायमंड नहीं कि मैं खरीद लूँ। बट गाइस, सेकेंड स्पिन भी कर लिया, और अभी भी मुझे एलाइट पास नहीं देखने को मिला है। अब मैं सोच रहा हूँ एक बार अपना प्राइस पूल रिफ्रेश करके देखूँ, या फिर मैं अपना डिस्काउंट रिफ्रेश करूँ। तो चलो, आप लोगों के लिए एक और बार मैं प्राइस पूल ही रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि हमारा मोटिव ये है पता करना है कि इसमें एलाइट पास है कि नहीं है। तो मैं फिर से 10 डायमंड देता हूँ प्राइस पूल को रिफ्रेश करने के लिए, और लेट्स सी क्या नया देखने को मिलता है। तो गाइस, प्राइस पूल रिफ्रेश हो चुका है, और इस बार तो और भी बेकार चीज़ें आ गई हैं। टुक टुक की स्किन है, वैसे 278 डायमंड में कौन खरीदता है टुक टुक की स्किन। और बाकी तो कुछ अच्छा नहीं है। ये बंडल अच्छा है 92 डायमंड्स का, मुझे पर्सनली पसंद है, बट मैं इस पर डायमंड वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं ट्राई और लक पर क्लिक करूँगा, लेट्स सी हमें डिस्काउंट कितना देखने को मिलता है वापस से। और मेरा डिस्काउंट देख सकते हो आप, फिर से स्पिन हो रहा है 999 हो गया, काश 89 मिल जाए, 79 मिल जाए, 69। ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये क्या मतलब, पहले भी 69 था, अभी भी 69 हो भाई, मारो मुझे, क्या करूं मैं यार, 69 का फिर से देखा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिला हो ना, तो प्लीज स्पिन मत करना, आपका डिस्काउंट और कम हो सकता है। कम होने के चांसेस ज्यादा है, बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। सो गाइस, अभी तक हमें एलाइट पास देखने को नहीं मिला, बट लास्ट में एक और स्पिन में प्राइस पूल को मारना चाहूँगा, क्योंकि मैं श्योर होना चाहता हूँ कि हाँ, इसके अंदर एलाइट पास नहीं है, मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ एलाइट पास। तो लास्ट में एक और स्पिन मार देता हूँ प्राइस पूल में, और होपफुली
कुछ अच्छा देखने को मिले हमें इस बार प्राइस पूल के रिफ्रेश में। तो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। तो फाइनल स्पिन मार रहा हूँ प्राइस पूल में और लेट्स सी कुछ अच्छा देखने को मिले। तो गाइस रोबो पैट देखने को मिला है और ये कार्ड्स वगैरह वो जैज वाला बंडल है जो ऑलरेडी हमें पहले मिल चुका है डिस्काउंट में, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला फिर से अभी तक। तो यार आइटम्स थोड़ी कमी है अच्छे आइटम्स इसके अंदर। हाँ स्केटर बॉय वाला बंडल अच्छा है और भी एक दो चीज़ें अच्छी हैं, बट स्टिल काश एलाइट पास होता इसके अंदर। बट इतना तो कंफर्म हो चुका हूँ गाइस, मैं अगर इतना स्पिन में एलाइट पास नहीं दिखा तो मेरा एलाइट पास तो डेफिनेटली इस इवेंट में नहीं मिलने वाला है। तो लेट्स सी हमें एलाइट पास आगे चल के देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो एनिवर्सरी इवेंट आया वो पूरा नहीं आया है अभी, मतलब आधा इवेंट भी नहीं आया वो ऐसा समझो आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है एनिवर्सरी इवेंट के अंदर, होपफुली हमें कुछ अच्छा चीज़ें और देखने को मिल जाए एनिवर्सरी इवेंट में फ्री में। वो भी मुझे एलाइट पास को लेकर कैसी भी अपडेट मिलेगी, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो यार इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट जरूर करना कि आपने इस इवेंट से क्या खरीदा। सो गाइस बाय बाय। Raindrop, drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.